हरे कृष्णा। धन मोर नित्यानंद, ये भजन श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बहुत महान भक्त थे। वो कहते हैं, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौर चंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। भगवान श्री नित्यानंद प्रभु मेरे धन हैं और श्री गौर चंद्र मेरे स्वामी एवं राधा कृष्ण, युगल किशोर यानी राधा कृष्ण, राधा कृष्ण मेरे प्राण हैं, ठीक है। और अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल, नर हरि विलासई मोर। श्री अद्वैत आचार्य मेरे बल हैं, गदाधर मेरे कुल हैं, नर हरि सरकार मेरे विलास स्थान आनंद देने वाले हैं। यहाँ ज़्यादा डीप मीनिंग नहीं बताया गया है, वैष्णव गीत में सीधा सीधा अर्थ बताया गया है, भावार्थ नहीं बताया गया, सिर्फ अर्थ बताया गया। भावार्थ ये है कि एक वैष्णव के लिए रुपया पैसा घर जमीन जायदाद ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए धन दौलत सब गुरु और भगवान है। देखिए नित्यानंद प्रभु गुरु हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, भगवान हैं। जुगल किशोर भी राधा रानी और कृष्ण हैं और अद्वैत आचार्य बल जो हैं वो महाविष्णु हैं। गदाधर पंडित भी राधा रानी का ही एक रूप है। तो इस प्रकार ये सब ही धन है, ये सब ही प्राण है, ये सब ही बल है, यही एक वैष्णव का भाव होना चाहिए। और खास करके नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वो बहुत विरह में जी रहे थे कि हमको कोई मिल नहीं रहा है, हमें एसोसिएशन नहीं मिला भक्तों का, क्योंकि उनका आविर्भाव थोड़ा लेट हुआ ना, इसलिए बोल रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, वैष्णवेरा पद धूली ताहि मोरा स्नान केली तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम। वैष्णवों के चरण रज में स्नान करके मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ। वैष्णवों का नाम ही मेरा तर्पण है और विचार कोरिया मौने भक्ति रस आस्वादाने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। मैंने ये मन में विचार किया और विचार करके निष्कर्ष निकाला है कि यदि भक्ति रस का स्वाद लेना है, भक्ति के रस का जो स्वाद होता है वो चखना है, तो श्रीमद् भागवतम ही सुनना और पढ़ना होगा। सर्वश्रेष्ठ जो साधन है वो है श्रीमद् भागवतम, ठीक है। वैष्णवेरा उच्छिष्ट ताहे मोरा मन निष्ठा, वैष्णवेरा नामे ते उल्लास। वृंदावने चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा, कहे दिन नरोत्तम दास। वैष्णव का उच्छिष्ट जो है वो मेरे मन की निष्ठा है, अर्थात उसमें निष्ठा है मेरी। वैष्णवों का उच्छिष्ट मुझे मिले, उससे हमारी उन्नति होगी और वैष्णवों के नामों को सुनकर मुझे प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वृंदावन का चबूतरा जहाँ रास नृत्य होता था या होता है अभी भी, वहाँ मेरा मन सदैव घूमता रहता है। तो जो वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनका ये सारा भाव होना चाहिए। जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन देखने की चीज़ नहीं है कि नदी को देख लिया, यमुना माता को देख लिया, गोवर्धन को देख लिया, गोकुल को देख लिया और बस हो गया, अब हम वापस पुणे या जहाँ रहते हैं वहाँ चले आएंगे, हो गया, ऐसा नहीं। वहाँ से आकर्षण होना चाहिए, वहाँ बार बार जाने की इच्छा करनी चाहिए। वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो पानी है, वहाँ की जो हवा है वो दिव्य है। जैसे यहाँ कह रहे हैं ना कि वैष्णवेरा पद धूली ताहे मोरा स्नान केली। हम जाते हैं रमन रेती में, गोवर्धन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ लाखों करोड़ों वैष्णव आए हैं, गए हैं, वहाँ के रज में उठे हैं, बैठे हैं, उनके चरण की धूली वहाँ पे लगी है। तो उद्धव जी कह रहे थे ना भगवान को कि भगवान मुझे यहाँ पे एक लता पत्ता बना दीजिए ताकि मेरे ऊपर चले गोपियाँ, उनके चरण की रज मुझे मिले। तो उसी प्रकार
वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें स्नान करना, यानी उसको पूरे शरीर में लपेटना, वहाँ लौटना, वहाँ उस मिट्टी से प्यार करना, उस धूल से प्यार करना। क्यों? क्योंकि वहाँ वैष्णवों का चरण कमल लगा है, ये भाव होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बड़ा तो नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमें और आगे चीज़ें करनी है। तो इसलिए ये है धनम और नित्यानंद का अर्थ। हम जब भी कभी वैष्णव गीत गाते हैं तो उसका पूरा क्या भाव है, वो जो वैष्णव आचार्य ने लिखा है उनका क्या भाव है, उसको समझना ज़रूरी है, तब अच्छा लगेगा वैष्णव गीत गाने में। ठीक है, तो अब हम करेंगे मंगलाचरण।